दोस्तों, नेटफ्लिक्स की एन प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में शायद से आपको पता होगा कि जो नेटफ्लिक्स है वो अपने OTT या फिर अपनी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है उसकी सब्सक्रिप्शन को थोड़ा और अपग्रेड करना चाहता है। तो ऐसे के अंदर नेटफ्लिक्स की एन प्लस सर्विस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें पॉडकास्ट, बिहाइंड द सीन्स, साथ ही में कस्टम TV देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है वो है नेटफ्लिक्स के गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर के, कि नेटफ्लिक्स गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जल्द ही आने वाला है और ये हमें नई अपडेट देखने को मिल रही है। इसके अंदर नेटफ्लिक्स ने भी क्लियरली बता दिया है पिछले फ्राइडे को कि हमारी जो नई गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंस होगी वो एप्पल की तरह होगी। जैसे एप्पल की हमें एप्पल आर्केड की सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, ऐसे ही हमें नेटफ्लिक्स की भी गेमिंग सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। और साथ ही में नेटफ्लिक्स ने यह भी बताया कि इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, यानी कि काफ़ी अच्छा क्लीन इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एन प्लस सब्सक्रिप्शन है वो एक हाई टायर सब्सक्रिप्शन होने वाली है, जिसके अंदर जैसा मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि जो चीज़ें होने वाली है वो बिहाइंड द सीन्स, पॉडकास्ट, साथ ही में कस्टम TV जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यही था इस वाली वीडियो के अंदर, यही थी एक क्विक अपडेट कि नेटफ्लिक्स गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने वाला है और नई सब्सक्रिप्शन के साथ में, जैसे कि एप्पल की आर्केड सब्सक्रिप्शन है उसके साथ में अपनी एंट्री करेगा नेटफ्लिक्स गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रो एक्टिव।